सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे। आशा करता हूँ दोस्तों सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की हमारी एक जो वीडियो है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू काउंट की साइड से करें। आप अगर कन्फ्यूज़न में हो तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो आज क्लियर हो जाएगी। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना। इस वीडियो को देखने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू को लेकर कभी भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कि किधर से काउंट करनी है। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चित तरीके से समझ जाओगे कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे हमें रीड करनी है। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नंबर वन पे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रजिस्टर होता है, ठीक है, क्या कि रजिस्टर जो होता है वो हमारा, मैं उसके वहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में सभी फॉल्ट आपके यहाँ पर जो कन्फ्यूजन से रिलेटेड हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे, अभी मैं यहाँ पर 4 बैंड का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे दोस्तों हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, तो रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस इसकी कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन कोई नहीं मानता, लेकिन सभी रजिस्टर इसको नहीं बोलते, रजिस्टेंस ही बोलते हैं। तो हमारा 4 बैंड का ये हमारा एक रजिस्टर है जो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा रहा था, वही रजिस्टर से मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मैं इसको आप बताऊँगा इसके बारे में आप यहाँ पे कि क्या क्या इसमें हमारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। मैंने लिख दिया नोट, अगर आपको याद नहीं रहता तो फिर भी आप इसको एक बार स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट भी इसका आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए रजिस्टर के जिस साइड का हिस्सा स्टार्टिंग से पहले बैंड के करीब होता है, ध्यान से देखेंगे आपको देखते हैं, स्टार्टिंग से जो पहली बैंड रेजिस्टेंस के पहले स्टार्ट कॉर्नर से करीब होता है, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, स्टार्टिंग पहला हिस्सा या फिर पहला बैंड जो रेजिस्टेंस के किनारे या फिर करीब होता है या होगा, तो उसको हम काउंट करेंगे फर्स्ट बैंड के रूप में, ठीक है। उस साइड से हम इसे काउंट करेंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से गिनेंगे तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल एक बार में वैल्यू सही निकल कर आएगी। मीटर से भी क्रॉस चेक कर सकते हो तो कंफर्म हमारे यही वैल्यू यहाँ पर निकल कर आने वाले। जैसे मैं भी एक रेजिस्टेंस को यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। एक बार मैं आपको रजिस्टर को यहाँ पर दिखा देता हूँ, फोकस करेंगे स्क्रीन पर, मैं करीब से आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखेंगे रेजिस्टेंस को, देखिए मैं फोकस कराता हूँ एक बार, अभी फोकस बनाता हूँ, थोड़ा ज़ूम करता हूँ मैं इसको, यहाँ पे आपको फोकस बनाता हूँ। तो देखिए ऑरेंज, ठीक है, येलो और गोल्डन। तो देखिए ध्यान से, ये जो हमारे स्टार्टिंग में ऑरेंज कलर है, करीब से दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग में देखिए कितना करीब है, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है वो सबसे पहला बैंड जो बहुत करीब है, और इधर से देखेंगे तो ये गोल्डन लगभग इसका आधे से डबल अंदर दूरी पर है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे कि पहला हिस्सा हमारा बैंड कौन सा है, इस साइड से हमें स्टार्ट करना है। ये कम है पहला स्टार्टिंग का, ठीक है, और ये दूर है, तो हमारा क्या ये लास्ट होगा, क्या होगा ये लास्ट बैंड होगा, जो कि लास्ट बैंड होता है हमारा वो टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस से आपके आराम नहीं पता तो आपको तो फिर मैं स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे किधर से इसको हमें काउंट यहाँ पर करना है। एक बार फिर से आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैं भी इसकी जो वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है, और उसको भी नोट कर लेना कि वैल्यू मैंने इसके यहाँ पे कैसे निकाली। आपको नहीं पता है कि इसका जो फॉर्मूला है इसको कैसे याद करते हैं, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑरेंज, एंड देन फिर ऑरेंज, और फिर हमारा येल्लो, और फिर हमारा यहाँ पे है गोल्डन। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि गोल्डन जो हमारा होता है वो टॉलरेंस होता है, लास्ट वाला जो बैंड है 5% होता है, जो गोल्डन होता है वो 5+ माइनस टॉलरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि टॉलरेंस हमारा जो होता है लास्ट वाला होता है। तो ध्यान से देखिए, ऑरेंज का जो हमारा कलर कोड होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो दोनों ऑरेंज का मैंने यहाँ पे 3-3 उतार लिया, और लास्ट येल्लो जो हमारा थर्ड बैंड वो हमारा 4 होता है। तो जो हमारा लास्ट बैंड होता है उसमें हमें इतनी 0 लिख लेनी होती है, यानी कि 33 के पीछे अगर हम 4 0 लगाएंगे और इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा सीधा सीधा 330 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस लिख सकते हैं।
इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट बैंड से पहला बैंड होगा उसके बराबर जीरो हमें लगानी होती हैं, पहले दो नंबर या तीन नंबर के बीच अगर हमारा बैंड चार से ज़्यादा वैल्यू का है तो। 330 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।